बात करेंगे प्रदेश में आज से पेट्रोल पंप मालिकों की हड़ताल। प्रदेश में आज से पेट्रोल पंप की अनिश्चितकाल हड़ताल की वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ती हुई। राजस्थान में बंद करीब 7000 पेट्रोल पंप। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने हड़ताल की घोषणा की। वैट कम करने की मांग को लेकर हड़ताल का ऐलान किया गया। डीलर्स पंजाब के समान वैट लागू करने की मांग कर रहे हैं। सरकार को हर दिन करीब 44 करोड़ के राजस्व का नुकसान भी हो रहा है। बिक्री घटने से पिछले 4 साल में 270 पेट्रोल पंप बंद हुए, लेकिन कंपनी संचालित प्रदेश भर में 60 पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। कलेक्टर और पुलिस प्रशासन को कानून व्यवस्था बनाने के निर्देश जारी किए गए हैं। तो कुल मिलाकर आप देखिए, सीधी सी बात है, जो पेट्रोल कम पंप कर्मी हैं वो वैट कम करने की मांग कर रहे हैं और सरकार की तरफ से अभी तक उन्हें कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिला, जिसे लेकर पहले तो 2 दिन तक 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक पेट्रोल पंप बंद किए गए और अब आज से अनिश्चितकाल के लिए पेट्रोल पंप बंद करने के आह्वान के साथ ये हड़ताल शुरू हुई। लेकिन पेट्रोल पंप बंद होने की वजह से हड़कंप मचा है, क्योंकि लोगों में इस दिक्कत को लेकर काफ़ी सारी चुनौतियां लोगों को फेस करनी पड़ रही हैं, क्योंकि लोगों को अपने वाहन चलाने के लिए पेट्रोल डीजल की आवश्यकता होती है हर दिन। ये मूलभूत सुविधा जिसकी दरकार लोगों को रहती है, लेकिन पेट्रोल पंप बंद होने की वजह से एक तरफ जहां प्रदेश सरकार को भी राजस्व का नुकसान हो रहा है, पेट्रोल पंप संचालकों को खुद नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनके पेट्रोल पंप उन्होंने बंद कर दिए हैं और लोगों को भी पेट्रोल डीजल नहीं मिल पा रहा। पंजाब की तर्ज पर दूसरे राज्यों में जिस तरीके से पेट्रोल पंप पर सरकारें वैट कम ले रही हैं, वहाँ पेट्रोल सस्ता है, इसे लेकर ही राजस्थान में पेट्रोल पर वैट कम हो, इसी मांग को लेकर पेट्रोल पंप संचालकों ने यह हड़ताल की है। कारण यह है कि जो बॉर्डर एरियाज हैं, गुजरात हरियाणा और इसके साथ ही दूसरे राज्यों के जो बॉर्डर एरियाज हैं, वहाँ पर जो पेट्रोल पंप हैं वो पेट्रोल पंप बंद होने की कगार पर आ गए हैं और इसी वजह से अब पंजाब हरियाणा की तरह राजस्थान में भी वैट कम लगे, सरकार वैट कम करे, यही मांग की जा रही है और पेट्रोल पंप बंद है। हमारे सहयोगी सतवीर सिंह राठौर लाइव जुड़ गए हैं जयपुर से और हमारे साथ जितेंद्र डूडी जोधपुर से जुड़े हैं। सबसे पहले सतवीर का रुख करेंगे। सतवीर, इस वक्त आप जयपुर में हैं, पेट्रोल पंप लगातार प्रदेश भर के बंद होने की खबरें आई, तो अब सवाल यही है कि जो आम लोग हैं वो कितना ज़्यादा परेशान होते हुए नज़र आ रहे हैं इस वक्त? जी देखिए, अगर पेट्रोल पंप की बात करूं तो यहाँ पर जो सन्नाटा है, सूनापन है, वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि चहलकदमी हमेशा रहती है। सुबह या शाम या रात की बात करें तो लोग यहाँ पर आते हैं, अपने वाहनों में पेट्रोल डलवाते हैं, एक चहल पहल का दौर रहता है। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हैं कुछ अलग यहाँ पर कह रही है। मैं अपने कैमरा पर्सन हेमंत से कहूंगा कि एक बार तस्वीरें दिखा दे कि किस तरीके से जो पेट्रोल पंप है यहाँ पर पूरी तरीके से जो सन्नाटा है वो यहाँ पर पसरा हुआ है और देख सकते हैं कि पेट्रोल की जो नोजल है वो यहाँ पर पूरी तरीके से क्लोज हो रखी है। इसका मतलब है कि यहाँ अब पेट्रोल नहीं मिलेगा, डीजल नहीं मिलेगा, क्योंकि अब यहाँ पर जिस तरीके से जो वेट की मांग की जा रही है कि जो वेट समान किया जाए, वेट जिस तरीके से पड़ोसी जो राज्य हैं उनकी तरह ही वेट की जो समानता में लेके आए, तो इसी मांग को लेकर इनके जो आंदोलन है वो चल रहा है। और फिलहाल आप तस्वीरें यहाँ पर देखते हैं, अगर यहाँ पर कोई दिखाई दे रहा है तो पेट्रोल पंप के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और कुछ आराम के जो पल है वो यहाँ पर बिता रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो काम यहाँ पर वो करते हैं और उसके बाद में जब टाइम नहीं मिलता तो आज इन्हें पूरी तरीके से रिलैक्स यहाँ पर मिलते हैं मिल रहा है, क्योंकि अब पेट्रोल पंप जो है वो अनिश्चितकालीन के लिए पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं। 2 दिन का जो इस तरीके से चेतावनी दी थी, सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक जो पेट्रोल पंप है वो बंद हुए थे, लेकिन इसके बावजूद भी जो डीलर्स एसोसिएशन के जो अधिकारी हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनसे जो बातचीत नहीं हुई सरकार की, और उसके बाद में जो मामला है थोड़ा और तेज हो गया और उसके बाद में अब पूरी तरीके से जो पेट्रोल पंप है वो बंद हो चुके हैं। ऐसे में माना जा सकता है कि जो परेशानियां हैं, क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा अगर परेशानी की बात करूं तो जूझना केवल
आम आदमी को है, जूझना उस व्यक्ति को है जो रोज अपने ऑफिस जाता है, रोज किसी न किसी कारण से जो अपनी गाड़ी को चलाता है, लेकिन अगर उस गाड़ी के अंदर पेट्रोल नहीं होगा तो उसके जो कामकाज है वो भी यहाँ पर प्रभावित होता हुआ नजर आएगा। लेकिन माना जा सकता है कि क्योंकि जो डीलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी है उनसे भी हमारी बात हुई थी, उन्होंने भी यह भी कहा कि अगर हमें वार्ता के लिए बुलाया जाता है और अगर किसी भी तरीके से सहमति बनती है तो वो तैयार है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आम जन किसी भी तरीके से परेशान है। क्योंकि अगर मैं पेट्रोल पंप के बाहर की बात करूं तो यहाँ की पूरी तरह से जो रस्सी है वो बांध दी गई है, इसका मतलब है कि आप अंदर एंट्री नहीं ले सकते। हालांकि सुबह से जो दौर है वो यहाँ पर जो गाड़ियां आ रही है, वाहन चालक भी आ रहे हैं, कुछ लोग तो गाड़ी में पेट्रोल नहीं है तो सामने गाड़ी खड़ी कर रखी है, और तो ऐसे में उन्हें यहाँ से केवल एक ही चीज सुनाई दे रही है कि आपको पेट्रोल यहाँ पर नहीं मिलेगा क्योंकि पेट्रोल पंप पूरी तरीके से बंद है। ऐसे में माना जा सकता है कि जो पेट्रोल परेशानी पर आज छाया हुआ है, प्रदेश भर के पेट्रोल पंप बंद है। हमारे सहयोगी जितेंद्र जोधपुर से हमारे साथ जुड़े हुए। जितेंद्र, इस वक्त जोधपुर के कौन से प्लेटफॉर्म पर पेट्रोल पंप पर आप हैं, और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आज लोगों के द्वारा क्या रिएक्शन दिया जा रहा है पेट्रोल पंप संचालकों की इस हड़ताल का। जी बिल्कुल नंदनी, बताना चाहूंगा कि जोधपुर के तमाम पेट्रोल पंप इस वक्त खुले हैं और मैं जोधपुर के रातानाडा पेट्रोल पंप पर हूं। आपको बता दें कि सुबह 10 बजे से पहले तक तो एक दर्जन पेट्रोल पंप खुले होने की जो है सूचना थी, लेकिन अब जो है जैसे ही 10 बजे बाद है तमाम पेट्रोल पंप खुल चुके हैं। हमारे साथ संचालक मनीष जी हैं। मनीष जी, पहले तो आपने जो है 2 घंटे का पूरे राजस्थान में साथ दिया, अब जो है राजस्थान में तमाम जगह बंद है, आप तमाम जोधपुर खुले हैं? हमारे जो मीटिंग हुई थी उसमें 2 दिन का जो सांकेतिक हमारे जो हड़ताल थी उसमें हम शामिल थे जोधपुर वाले सभी। मीटिंग में 2 दिन की बात हुई थी, अनिश्चितकालीन की कोई बात हुई नहीं थी। हमारे जोधपुर में रामदेव का मेला चल रहा है, यूपी एमपी देश के तमाम जगह से लोग आ रहे हैं, उनको परेशानी नहीं हुई, इसलिए हमारे पहले डिसाइड था कि हम 2 दिन में शामिल रहेंगे, अनिश्चितकाल में शामिल नहीं रहेंगे। अनिश्चितकालीन कोई बात नहीं हुई थी इसलिए हमने जोधपुर वालों ने सारे पंप खोल दिए। बिल्कुल मनीष जी, ये भी जानना चाहिए क्योंकि देखिए तमाम राजस्थान में पेट्रोल पंप बंद किए गए, ऐलान हुआ है वेट कम करने को लेकर। 2 घंटे तक तो जो है पहले सुबह 2 दिन जो सांकेतिक धरना था उसमें आप शामिल हुए थे, लेकिन अब ऐसी क्या वजह हो गई कि मतलब अब उनका सहयोग नहीं कर रहे, साथ नहीं दे रहे वेट कम करवाना? हमारे साथ हम यूनियन के साथ ही हैं। हमारे जोधपुर के जो हैं गोपाल सिंह जी हैं, उनका भी आज न्यूज़पेपर में स्टेटमेंट आया कि पंप खोल दिया जाए, और भी हमारे जो यहाँ पे जो लोकल लेवल में जो यूनियन है उन सब ने निर्णय लिया है कि यहाँ पे जोधपुर में जो शहर में पंप खोले जाएं, मतलब लोगों की परेशानियों को देखते हुए। 2 दिन हमने साथ दिया पूरे राजस्थान में और अब उन्होंने जो निर्णय लिया उसके हम साथ हैं। बिल्कुल, अब जो निर्णय लिया है वैसे साफ तौर पर देखा जाए तो 2 दड़ों में जो है पेट्रोल पंप एसोसिएशन बढ़ चुका है। एक दड़ा जो है बंद करवाने के पक्ष में है तो दूसरा जो है पेट्रोल पंप संचालक जो है यहाँ पर जोधपुर में तमाम पेट्रोल पंप खोले गए, इसके साथ साथ ग्रामीण के पेट्रोल पंप भी खोले गए। हमारे साथ और भी सर, पेट्रोल पंप बंद होने की वजह से कई लोगों को परेशानियां हो रही थी। हाँ, लोगों को तो परेशानियां हो रही थी, पर सरकार की हठधर्मिता के कारण जनता को जो फायदा होना मिलना चाहिए था, जो वेट कम करके जो जनता को फायदा मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। हालांकि जोधपुर में अभी रामदेवरा का मेला चल रहा है, इस वजह से जनता को परेशानी भी हो रही है। इस वजह से डीलर एसोसिएशन में भी 2 फाड़ हो गए हैं, वो एक कह रहे हैं भी नहीं खोलो, एक कह रहे हैं बंद करो, तो अभी जोधपुर में सारे पंप खुले हैं। पर जब वेट कम करने का तमाम राजस्थान बंद हो रखा है, जनता को फायदा के लिए वेट कम होता है क्योंकि अन्य राज्यों में वेट कम है, यहाँ पर ज्यादा है, उसी को लेकर ये आप पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने जो ऐलान किया था, अब क्या वजह होगी कि सिर्फ जोधपुर के पेट्रोल पंप खुले हैं बाकी तमाम राजस्थान में बंद है? नहीं, हमारे यहाँ तो सबसे बड़ा मुद्दा था कि अभी रामदेवरा का मेला जो अभी 17 तारीख को बाबा की बीज है और पूरे प्रदेश से जोधपुर में आ रहे हैं भक्तगण, तो उनको नजर रखते हुए ये पेट्रोल पंप की सुविधा प्रदान की ताकि वो भटके नहीं बेचारे, जहाँ उनको रामदेवरा के दर्शन करने के लिए जाना पड़ता है तो तेल तो भरवा नहीं पड़ेगा, इस वजह से ये किया है। बिल्कुल, जो कहा जा रहा है कि रामदेवरा जो मेला चल रहा है उसकी वजह उसको ध्यान में रखते हुए ये जोधपुर एसोसिएशन के तमाम लोग हैं उन्होंने ये जो है निर्णय लिया है कि पेट्रोल पंप बंद नहीं रखेंगे, लेकिन विरोध सरकार के साथ इनका जारी है। आपको बता दें कि 2 दड़े हो चुके हैं ये और 1 दड़ा पक्ष तो पेट्रोल पंप डीलर्स की जो एसोसिएशन है उसमें फूट होती हुई नजर आ रही है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए जीते।